हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं कोमल शर्मा, जिन्होंने कमेंट किया है कि परचेस करती हूँ तब वो डायरेक्टली अमाउंट पर पहुंच जाता है, क्वांटिटी और रेट टाइप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या दिक्कत है। तो चलिए एक बार हम भी चेक करते हैं। यहाँ से वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करना है और परचेज में जाने के लिए F9 या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो परचेज में आ गए, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डालना है, जो बिल आपको मिला है सप्लायर से उसका इन्वॉइस नंबर डालना है। तो ये इन्वॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप कैश में भी परचेजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप उधार का परचेजिंग कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, क्रेडिटर पार्टी का, ठीक है ना। फिलहाल आप कैश ही रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, लेजर बनाने का तरीका वही है, ऑल्ट सी करके बना लीजिएगा। आप अगर प्राइम यूज करते हैं तब तो वहां क्रिएट मिल जाता है, यहाँ पर क्रिएट आपको नहीं मिलेगा, तो यहां पर इस तरीके से करिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आकर के इसे डाल दीजिएगा अंडर परचेज अकाउंट, पी प्रेस कीजिएगा, परचेज अकाउंट नीचे नजर आ जाएगा और एंटर कर दीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, हो गया। अभी हम यहीं से स्टॉक आइटम बना लेते हैं, आप चाहे तो स्टॉक आइटम बनाने का काम गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम स्टॉक आइटम अल्ट सी करके बनाते हैं, अल्टर के साथ सी प्रेस कीजिएगा और यहां पर एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जैसे कोई भी एक स्टॉक आइटम, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं पेन, ठीक है। अब पेन, अब यहां पर देखिए, यहां पर यूनिट डालने की बात आती है और यहां पर हम जल्दी जल्दी में नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं या अज्ञानतावश नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि यूनिट भी बनाना है, तभी दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आपने यूनिट बना लिया और बनाने के बाद यहां नॉट एप्लीकेबल रखा तो भी दिक्कत है, तो पहले तो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। ये नॉट एप्लीकेबल किया, एंटर कर दिया, देखिए सीधा कर्सर कहां पहुंच गया, अमाउंट में पहुंच गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन ये बनता है, ऑल्ट सी करके आपने लेजर तो क्रिएट किया, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मॉनिटर, तो ये लिख दिया मॉनिटर और एंटर किया। अब यहाँ पे आपने यूनिट बनाया, ऑल्ट सी करके यूनिट बनाया, जैसे मान लीजिए मॉनिटर बिकेगा तो यहाँ नंबर्स में बिकेगा, तो यहाँ पे सिंबल दे देता हूँ NOS नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पूरा नाम नंबर्स, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो ये हमने बना तो लिया, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, बना हुआ है यूनिट लेकिन नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ऐसी स्थिति में भी सीधा कर्सर हमारा कहां पहुंच जाएगा, अमाउंट में पहुंच जाएगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगली स्टेज क्या बनती है, अगली स्थिति क्या बनती है कि आपने एमआरपी एक्टिवेट किया है या एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन एक्टिवेट कर लिया है, वैसे स्थिति में भी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आ गए, यहां से बाहर आ गए, हमने यूनिट तो दो बनाया लेकिन एक्चुअली वो अमाउंट में चला जा रहा है, तो सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए आपको अल्टर में जाना होगा। तो कहां दिया हुआ है अल्टर, कहां से जाएंगे तो अल्टर मिलेगा, तो हमें इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है, क्योंकि इन्वेंटरी इन्फो इसीलिए यूज होता है कि हम जो भी स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं इन्वेंटरी में ही जाके करते हैं। तो आई करिए यहां से और यहां पे स्टॉक आइटम्स को हमें अल्टर करना होगा, ठीक है ना। तो स्टॉक आइटम पे जाकर के एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे अल्टर पे जाने के लिए ए खाली प्रेस कर दीजिएगा। अभी मॉनिटर को हम अल्टर करते हैं, याए यहाँ पे देखिए एनओएस बना हुआ है लेकिन हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, अभी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। तो अभी सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए सेलेक्ट जैसे ही करेंगे ना और यहाँ पे आप एंट्री पास करने जाएंगे तो अभी मॉनिटर यूनिट पे जाएगा, देखिए यहाँ पे आए, कैश ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए, मॉनिटर को लेते हैं, तो देखिए क्वांटिटी में चला जाता है हमारा कर्सर। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी डालिए और रेट डालिए, इसका 5,000-6,000 जो भी इसका रेट है वो डाल दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यही चीज आपने एक और स्टॉक आइटम बनाया है पेन, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो स्टॉक आइटम हमारा बना हुआ है अभी ये सीधा कहाँ चला जा रहा है, ये चला जा रहा है अमाउंट में, तो इसको भी सही करना होगा। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो फिर बाहर आना पड़ेगा हमको, तो बाहर चलिए आते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वापिस से चलते हैं कहाँ, इन्वेंट्री इन्फो पर, और यहाँ से स्टॉक आइटम और यहां से अल्टर पे आ जाते हैं। अब ये अल्टर पे आ गए, पेन को भी सही कर लेते हैं, यहां पर पेन को भी एनओएस रख सकते हैं, आप चाहे तो पीसेस भी रख सकते हैं। बनाएंगे कैसे, अल्ट सी, देखिए टैली प्राइम अगर यूज करते हैं तो ऊपर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, अदरवाइज आप अल्ट सी भी कर सकते हैं, टैली प्राइम में भी ये सुविधा उपलब्ध है कि आप अल्ट सी का उपयोग कर सके। तो यहाँ पे अल्ट सी कर देता हूं और यहाँ पीसेस करना है तो पीसीएस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया PIECES पीसेस और यहाँ पे इसको एंटर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है ना हमारा यूनिट बन गया, अब जब हम एंट्री पास करेंगे तो दोनों ही में हमारा काम हो जाएगा, यानी कि अगर हम परचेस करने जाते हैं तो दोनों ही स्टॉक आइटम हमारा सही से अप्लाई होगा और वहां पे यूनिट पे भी जाएगा हमारा कर्सर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या था, पेन, तो पेन ही को दिखाता हूँ, देखिए अब यूनिट में जा रहा है कि नहीं, एक पेन ₹10 का है तो 55 पेन की कीमत आ गई। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टॉक आइटम क्या था, दूसरा था
मॉनिटर, तो मॉनिटर में तो ऑलरेडी आ रहा था, तो यहां पे जो भी मॉनिटर की कीमत है यहां पे डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो देख सकते हैं ना, अब आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये, और इस तरह की दिक्कत अगर किसी और को भी आती है तो इससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ पे दो बार डी प्रेस करके इसका जरा प्रिंट आउट भी देख लिया जाए कैसा प्रिंट आउट आएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट है, आई होप की बात समझ में आई होगी।